नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। यूनान ने बेलआउट शर्तों को किया अस्वीकार। यूनान को ऋण संकट से उबारने के उद्देश्य से हुए जनमत संग्रह में जनता ने यूरोपीय संघ की ओर से प्रस्तावित बेलआउट की शर्तों को अस्वीकार कर दिया है। मतगणना के बाद 61% से भी अधिक लोगों ने बेलआउट की शर्तों को नकारने के पक्ष में वोट किया। वहीं इसके पक्ष में करीब 39% लोगों ने वोट डाले हैं। सरकार ने देश की जनता को बेलआउट शर्तों को नकारने के लिए वोट डालने की अपील की थी, लेकिन विपक्षियों का मानना है कि बेलआउट की शर्तों को नकारने से यूनान को यूरोजोन से बाहर होने का खतरा उठाना पड़ सकता है, जिससे देश की मुसीबतें और भी अधिक बढ़ जाएंगी। पाक ने किया संघर्ष विराम का उल्लंघन, एक जवान शहीद। कश्मीर घाटी के नौगाम सेक्टर में पाकिस्तान सैनिकों की ओर से संघर्ष विराम का उल्लंघन करके की गई गोलाबारी में बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया। बीएसएफ के प्रवक्ता के मुताबिक पाकिस्तानी सैनिकों ने उत्तर कश्मीर के नौगाम सेक्टर में हमारे मोर्चों पर बिना उकसावे के गोलीबारी की। प्रवक्ता ने बताया कि पाकिस्तानी सैनिकों की ओर से की गई गोलीबारी में हमारा एक जवान शहीद हो गया। जम्मू में भी पाक रेंजर्स ने बार बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया और जम्मू जिले में भारत पाक सीमा से लगी सीमा चौकियों को निशाना बनाया, जिस पर बीएसएफ जवानों को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। इससे पहले पाक रेंजर्स ने 22 जून को संघर्ष विराम का उल्लंघन किया था और जम्मू जिले के आरएसपुरा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे दो सीमा चौकियों पर गोलीबारी की थी। व्यापम घोटाले में एक और मौत, सब इंस्पेक्टर ने की खुदकुशी। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले में एक और मौत हो गई है। व्यापम के जरिए भर्ती हुई अनामिका कुशवाहा नाम की एक सब इंस्पेक्टर ने तालाब में कूदकर जान दे दी। कुशवाहा इसी साल फरवरी में भर्ती हुई थी। कुशवाहा ने सोमवार सुबह करीब 5 बजे अपनी जान दी। ये सागर की पुलिस अकादमी में ट्रेनिंग ले रही थी और व्यापम से जुड़ी ये 46वीं मौत है। तीसरे दिन लगातार तीसरी मौत से सियासी हलकों में हड़कंप मच गया है। शनिवार को पत्रकार अक्षय सिंह की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। उसके बाद रविवार को दिल्ली के एक होटल में एक कॉलेज डीन का शव मिला, जो व्यापम की जांच कर रहे थे। इससे पूर्व व्यापम घोटाले को कवर करने आए टीवी पत्रकार अक्षय सिंह की मौत के मामले पर कैलाश विजयवर्गीय ने संवेदनहीन बयान दिया। जब विजयवर्गीय से पत्रकार की मौत पर सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि पत्रकार छोड़ो, हमसे बड़ा पत्रकार है क्या। उनके साथ इस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी थे। बयान पर विवाद के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने इस बयान पर सफाई भी दी है। उन्होंने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है।